बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्या तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। दोस्तों बहुत ही कुछ अहम खबरें हैं, सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाला हूँ, ये देखे उसके बाद हम बात करते हैं। ये बात भी पहुँचाई गई है कि इस दफा अगर तुझे पकड़ेंगे तेरी जबान खराब कर देंगे तो फिर तू बोल नहीं सकेगा। अब ये बात मेरे तक पहुँचाई गई है बाकायदा, तो वैसे भी फिर बोलना बंद ही हो जाएगा। एक आदमी आया मेरे पास। ये बात भी पहुंचाई गई है कि इस दफा अगर तुझे पकड़ेंगे तेरी जबान खराब कर देंगे तो फिर तू बोल नहीं सकेगा। अब ये बात मेरे तक पहुंचाई गई है बाकायदा, तो वैसे भी फिर बोलना बंद ही हो जाएगा। एक आदमी आया मेरे पास। दोस्तों ये गुफ्तगू सुनकर तो मेरा दिल तड़प रहा है इमरान रियाज खान के लिए, कहीं उसके साथ कुछ किया ना हो, उसकी जुबान काट नहीं दी गई हो, उसका जुबान को जला नहीं दिया गया हो। वो खुद कह रहे हैं कि मुझे इस बात का पता चला है कि अगर मैं इस दफ़ा गिरफ्तार हुआ तो मेरी ज़ुबान ख़राब कर दी जाएगी, उसके बाद मैं बोलने के काबिल नहीं रहूँगा। अल्लाह ना करे, मेरी आप लोगों से बहुत सारी गुजारिश है कि इमरान रियाज खान के लिए स्पेशली दुआ करें हर नमाज के बाद, ताकि वो सही सलामत हो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में हो और अपने जल्द से अपने वालिदैन से और अपने बीवी बच्चों से मिले और हमारे दरमियान हो, जल्द ही अल्लाह ताला करे। और इसके अलावा इमरान खान के हवाले से बहुत ही खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। आज एस्टेब्लिशमेंट ने शामी महमूद कुरैशी के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया है इमरान खान को, और उस पैगाम में क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक पैगाम पहुँचाया है जिसको इमरान खान ने रद्द किया। लेकिन उसके बाद कल नैब के अंदर एक बड़े बाबा जी से इमरान खान की मुलाकात हुई है, और इसके हवाले से बहुत ही कन्फर्मेशन हो रही है कि एक मुलाकात हुई है, तवील मुलाकात हुई है, क्योंकि इमरान खान 3.5 घंटे अंदर नैब के अंदर मौजूद थे। तो बहुत ही कुछ अहम होने वाला है, बहुत ही कुछ बड़ा होने वाला है इस दफ़ा, और इंशाल्लाह दूसरी मुलाकात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उस दूसरी मुलाकात से पहले पहले इंशाल्लाह असेंबली तहरीर हो जाएगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने एक नई पार्टी लॉन्च कर दी है, इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान, और ये एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। और जब वो पार्टी लॉन्च हो गई है, रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो ये असेंबली तोड़ देंगे और फिर इसकी हुकूमत लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम वोट के ज़रिए से, अपनी वोट के ताकत के ज़रिए से इसकी हुकूमत नहीं आने देंगे। दोस्तों ये थी कुछ अहम खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की, अभी तक इतना ही। मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने कहबान।